हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 18 दिसंबर 2022। तो कल रात तक की जितनी हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की उस पर बात करेंगे। तो भाई ये क्लास हमारी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 2023, 2024, 2025 में कभी भी दे रहे हैं, उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के बाद आपको किसी भी अदर सोर्सेज से करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी जी के पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 99% मैंने कवर किया हुआ है। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी आफ्टर द क्लास। और ये क्लास हमारा जो जितने भी डिफेंस एग्जाम है लाइक एनडीए, सीडीएस, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने हमारे जो पुलिस के एग्जाम हो गए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में एसआई, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपका जो बिहार पुलिस हो गया और राजस्थान पुलिस, और जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम है, राइट, जो रीट हो गया, रीट और जो बिहार टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एस टेट, सब में इंपॉर्टेंट है। और तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अभी स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन्स एज ए क्लीन एनर्जी, तो ये हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। ये साइंस टेक्स में है, रखेंगे इसको हम। और ये हमारा है जीएस पेपर 3 में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द डिग्रेडेशन एंड द कन्वर्जन में रखेंगे इसको। जो न्यूक्लियर फ्यूजन एज द क्लीन एनर्जी, ये मेजर एडवांस ऑफ द फ्यूजन रिसर्च अनाउंस द वाशिंगटन एज वॉज द डिकेड्स ऑफ कमिंग द साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम एबल टू इंजीनियर ए रिएक्शन फॉर प्रोड्यूस मोर द पावर्स दैन द यूज ऑफ द इग्निट्स इट। तो वाशिंगटन में जो घोषित सलिन अनुसंधान के प्रमुख प्रगति आने वाले जो दशकों में हुई है, वैज्ञानिकों ने पहली बार एक प्रतिक्रिया को इंजीनियर करने में सक्षम किया था जो इसे प्रज्वलित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली शक्ति को अत्यधिक उत्पन्न करता था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं विवरण। यूजिंग द पावर लेजर एंड द फोकस द इनर्जियस एनर्जी एंड द मिनिएचर ऑफ कैप्सूल्स हाफ ऑफ द साइज ऑफ ए बीबी साइंटिस्ट स्टार्टेड द रिएक्शंस ऑफ द प्रोड्यूस अबाउट 1.5 टाइम मोर एनर्जी वॉज द कंटेंट एज द लाइट ऑफ द प्रोड्यूस इट। एक वीबी के जो आधे काल के लघु कैप्सूल भारी ऊर्जा में केंद्र के लिए जो शक्तिशाली लेजर का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने एक प्रतिक्रिया शुरू की है, उत्पन्न करने के लिए उपयोग हो जाने वाली प्रकाश की तुलना में लगभग जो 1.5 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। देयर आर द डिकेड्स ऑफ वेट्स बिफोर द फ्यूजन वन डे मे बी द यूज ऑफ द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी देन द रियल वर्ल्ड। फ्यूजन के एक दिन शायद जो वास्तविक दुनिया बिजली के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतीक्षा और जो दशक है। बट द प्रोमिस ऑफ फ्यूजन एंड द इचिंग, तो हमारा जो इसके लिए फ्यूजन का वादा मोहक है। द हार्डनेस ऑफ इट्स द प्रोड्यूस नियरली द लिमिटलेस एंड द कार्बन फ्री फॉर एनर्जी एंड सप्लाई ह्यूमिडिटी इलेक्ट्रिसिटी नीड विदाउट राइजिंग एंड ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड द वॉर्मिंग्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यदि उपयोग किया जाता है तो यह वैश्विक तापमान को बढ़ाने के बिना जलवायु परिवर्तन को बिगाड़ने और जो मानवता बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग जो असीम कार्बन ऊर्जा उत्पादन कर सकता है। वाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पावर द सन एंड द अदर स्टार, परमाणु सलियन जो प्रतिक्रिया सूर्य और जो तारों की शक्ति प्रदान करती है। ये रिएक्शन हैपन्स व्हेन द टू लाइट्स द न्यूक्लियाई जो मर्ज एंड द फॉर्म द सिंगल सॉलिड न्यूक्लियर बिकॉज द टोटल मास एंड दैट इज द सिंगल न्यूक्लियर एंड लेस देन द मास ऑफ टू ओरिजिनल न्यूक्लियाई। प्रतिक्रिया तब होती है जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और उसमें एकल नाभिक के लिए कुल द्रव्यमान को दो नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। द लेफ्ट ओवर मास एनर्जी दैट इज द रिलीज इन द प्रोसेस, बचा हुआ द्रव्यमान ऊर्जा यह प्रक्रिया में जारी होता है। इन द केस ऑफ द सन द इंस्टेंट हीट द माइल millions of degrees and the celsius they are the pressures exerted it's the gravity and the atoms of otherwise real repels of other the fuse. सूरज के मामले में इसकी तीव्र गर्मी लाखों डिग्री सेल्सियस और इसके हिलाकी गुरुत्वाकर्षण पर डाला गया दबाव उन पर परमाणु को अनुमति देता है जो अन्यथा दूसरे फ्यूज को करने के लिए पीछा हटना चाहते हैं। फ्यूजन क्या है, विलय क्या है? भाई फ्यूजन इज द अमंग ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली सराउंड सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। फ्यूजन जो है ऊर्जा का सबसे पर्यावरण अनुकूल स्रोत में से एक है। देयर आर द नंबर ऑफ नो जो CO2 एंड द हार्मफुल एटमोस्फेरिक इमिशंस फ्रॉम द फ्यूजन प्रोसेस विच इज द मीन्स द फ्यूजन डज नॉट द कंट्रीब्यूट एंड द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन ग्लोबल वार्मिंग।
सलयन में जो कोई भी CO2 और अन्य हानिकारक वायुमंडल उत्सर्जन नहीं होता है, जिसका अर्थ यह है कि सलयन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग से योगदान नहीं करता है। ए फ्यूजन पावर प्लांट एंड द कुड बी द प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ पावर एंड फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ इमिट्स ऑफ कार्बन, नो एयर पोल्यूशन एंड द जनरेट वेरी लिटिल वेस्ट कंप्रेस्ड टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड टू अस यूज टूडे। एक फ्यूज के लिए पावर प्लांट एक सुविधा बहुत अधिक बिजली का उत्पादन कर सकता है। आज उपयोग किए जाने वाले जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में कोई भी कार्बन कोई भी वायु प्रदूषण नहीं पैदा करेगा और कम अपशिष्ट पैदा करेगा। इट इज ऑल्सो द फ्यूज फॉर द हाइड्रोजन विच इज द इनक्रीबली एम्बिनेंट, यह जो हाइड्रोजन में ईंधन करता है और विश्वसनीय के रूप में प्रचुर मात्रा में है। करंट फ्यूजन, करंट एफर्ट्स ऑफ द फोकस ऑफ फ्यूजन फ्यूजनिंग पेयर एंड द हाइड्रोजन आइसोटोपिक्स ऑफ द ड्यूटेरियम एंड द ट्रिटियम, तो वर्तमान में जो है हाइड्रोजन सबस्थानिक जो ड्यूटेरियम और जो ट्रिटियम एक जो जोड़ी फ्यूजन के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीज मच और मोर एनर्जी मोस्ट ऑफ द फ्यूजन रिएक्शंस इट रिक्वायर्स लेस देन हीट टू डू सो। विशेष संयंत्र और जो अधिकांश संयंत्र प्रतिक्रियाओं की तुलना में अधिक ऊर्जा जारी करता है, ऐसा करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इट सिग्निफाइंस क्या है भाई, ये हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूजन इफर्ट्स पॉसिबल बेसिकली द अनलिमिटेड फ्यूल्स एंड जो टेक्नोलॉजी कैन बी कॉमर्शली वायबल, यदि प्रौद्योगिकी के लिए व्यावसायिक रूप से जो व्यवहार वाय बनाया जा सकता है, परमाणु संयंत्र मूल रूप से असीमित ईंधन की संभावना प्रदान करता है। द एलिमेंट नीडेड टू द अवेलेबल ऑफ द स्वेटर्स, तो आवश्यकता से तत्व जो समुद्री जल में आवश्यक होता है। इट ऑल्सो प्रोसेस ऑफ द डजंट नो प्रोड्यूस द रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, यह ऐसी प्रक्रिया है जो परमाणु विखंडन के रेडियोधर्मी कचरे का उत्पादन नहीं करती है। क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी रिफर्स टू द एनर्जी और जनरेटेड फ्रॉम द रिसाइक्लिंग ऑफ सोर्सेस ऑफ विदाउट एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेज, स्वच्छ ऊर्जा तात्पर्य जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बिना जो पूर्ण चक्रण योग्यताओं के लिए उत्पन्न किए से है। देयर आर द फ्यूजन ऑफ डेट बिट्स ऑफ ऑन द डेटिफिकेशन क्लियंस ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी एनर्जी सच द क्लीन एनर्जी इंक्लूड द सोर्सेज ऑफ द जनरेट एनवायरमेंटल साइट्स एंड साइट्स मिशंस, स्वच्छ नवीकरणीय और जो हरित ऊर्जा की परिभाषा का भ्रम और बहस है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा में ऐसे स्रोत शामिल हैं जिसमें ऊर्जा के अलावा जो पर्यावरण दुष्प्रभाव उत्पन्न करते होते हैं। ग्लोबली सी दैट द हाइड्रो पावर इज द फार ऑफ द फारेस्ट मॉडर्न रिन्यूएबल सोर्सेज, विश्व स्तर पर हम देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा जो आधुनिकीकरण स्रोत है। रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं कार्बन एमिशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कार्बन उत्सर्जन क्या है और वैश्विक तापमान क्या है। पहले में स्पेसिफिक में देख लेंगे अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, व्हाट इज द फ्यूजन क्या है, इट सिग्निफाइंस हाइड्रोजन आइसोटोप क्या है और अबाउट द क्लीन एनर्जी। अच्छा पहले में स्पेसिफिक में देखेंगे परमाणु संलयन के बारे में क्या है, फ्यूजन क्या है, उसके महत्व क्या है, हाइड्रोजन संस्थानिक क्या है, ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताइए। नेक्स्ट हमारा जो है LAC चाइना द क्लेम्स ओवर द अरुणाचल प्रदेश, द अंडरस्टैंडिंग द डिस्पाइट्स ऑफ LAC एंड चाइना क्लेम्स द ओवर द अरुणाचल प्रदेश, तो GS पेपर 2 में रखेंगे इसको। इंडिया एंड द नेबरहुड रिलेशन, तो ये है ना सम टाइम द रेस्पेक्टिवली रेफर टू द एनालिसिस ऑफ इंक्रीसियस अलोंग टू लाइन ऑफ कंट्रोल इज द इन द अनडिफाइंड एंड द हिमाचल हिमालयन बॉर्डर, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओपी चीनी घुसपैठी विशेषण जिसके चीज के बार बार उल्लेख किया गया है वह हिमालय सीमा पर अपरिभाषित प्रतिक्रिया है। द LAC इज द मोर हैवीली एंड हैवीली कॉन्स्टेंट इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द सम मोर फ्रिक्वेंट द इंक्रूजन्स ऑफ लद्दाख देन द ईस्टर्न सेक्टर, LAC एक पश्चिमी क्षेत्र में अधिक संघर्ष और जो पूर्वी क्षेत्र में तुलना में लद्दाख में घुसपैठ होती है। साइंस ओरिजिन ऑफ द बॉर्डर डिस्पाइट्स ऑफ द चाइना आफ्टर द कमिटमेंट्स ऑफ दे आर द पावर ऑफ द चाइना पुल कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड द सो कॉल्ड द यूनिक ऑफ द ट्रीटमेंट इन द इम्पोज्ड ऑन इट ड्यूरिंग द सेंचुरी ऑफ द ह्यूमिलेशंस एंड द डिमांडेड ऑफ नेबर्स ऑल द बॉर्डर्स, चीनी कम्युनिस्ट की सत्ता में आने के बाद जो सभी जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते कथित और जो आसान संबंधों को बाहर निकाला गया है जो अफवाह अपमान की सदी के दौरान का जो थोपे गए थे, अपनी सभी सीमाओं को इसी बातचीत की मांग की गई है। द बॉर्डर बिटवीन द चाइना एंड इंडिया हैज द नेवर द डिमिलिटाइज्ड चीन और जो
भारत की चीन के बीच का बीजों सीमांकन नहीं किया गया है। इन जनवरी 1960 द चाइना डिसाइडेड अपॉन द नेविगेशन एंड द इंडिया इज द डिस्ट अंडरस्टैंडिंग थ्रू द मैन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल एंड द कंक्लूजन्स। जनवरी 1960 में चीन ने भारत के बीच में खेलते हुए आपसी समझ और आपसी रियासतों के मध्य में समझ तक पहुँचने का फैसला किया है। इन अप्रैल दैट ईयर द चाइना एंड इंडिया एग्रीड द डिटेल्स एग्जामिनेशन ऑफ द क्लेम बाय द ऑफिशियल। उस वर्ष जो अप्रैल और चीन के भारत के अधिकांश द्वारा जो दावों को विस्तृत जांच का सहमत हुए हैं। ओवर द नेक्स्ट टू ईयर बोथ साइड्स ऑफ द साउथ प्रेशर दे आर द क्लेम पोजिशिंग एंड द ट्रॉप्स ऑफ अलॉन्ग द बॉर्डर। अगले दो वर्षों में दोनों पक्षों में सीमा का सैनिकों के लिए तैनात करके जो दावों के लिए बनाए जाने वाली मांग की है। इन 1962 वार ऑफ द PLA द क्विकली ओवर पावर्ड एंड द इंडियन ट्रॉप्स। 1962 के युद्ध में जो PLA की तेजी से भारतीय सैनिकों पर काबू पाया गया है। तो ये हमारा व्हाट इज द लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल। LEC इज द सेपरेट ऑफ लाइन कंट्रोल्ड टेरिटरी एंड चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी। तो ये वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है? ये LEC वास्तविक नियंत्रण रेखा जो चीनी नियंत्रण रेखा से अलग होती है। इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द 3 सेक्टर्स। ये 3 सेक्टर में बटा हुआ है और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, पूर्व क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, मिडिल सेक्टर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, मध्य क्षेत्र जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और ये हमारा जो जम्मू कश्मीर मतलब प्रदेश उत्तराखंड, और जो यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा जो है ये हो गया चाइना। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश ये रहा। नेक्स्ट हमारा जो वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख, पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख है। इंडिया एंड चाइना इज नॉट एग्री फॉर द LEC। भारत और चीना LEC से सहमत नहीं है। इंडिया कंसीडर्स ऑफ LEC टू बी द 3,488 किलोमीटर एंड द चाइनीज कंसीडर तो ओनली द अराउंड 2,000 किलोमीटर लंबा है, इसे जो केवल 2,000 किलोमीटर से आपस में मानते हैं। देयर आर द लिस्ट डिसएग्रीमेंट ऑफ द मिडिल सेक्टर, मध्य क्षेत्र में सब कम असहमति है। MC मैकमोहन क्या है? मैकमोहन के देख लेते हैं इसमें। In the eastern sector of the alignment and the LEC is the McMahon's line, which is takes the from the Sir Henry McMahon, Foreign Secretary of the British India, and draw the 8,890 kilometer border of the between the British and India and the Tibet at the 1914 Simla Convention between the Great Britain and China and Tibet. पूर्वी क्षेत्र में LEC का जो संरेखन मैकमोहन के साथ है, इसका साथ जो ब्रिटिश भारत के लिए विदेश सचिव की सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच 1914 में शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में रूप में 890 किलोमीटर की रेखा खींची। ए फॉल्स क्लाइम्स ऑफ द डिसएग्रीमेंट, एक झूठा और जो असहमति। मैकमोहन ड्रो द प्राइमरी ऑन द हाइएस्ट वेस्टर्न प्रिंसिपल्स मार्क्ड आउट द प्रीवियसली अनक्लेम्ड एंड द क्लेम्ड बॉर्डर ऑफ द बिटवीन द ब्रिटेन एंड द तिब्बत इंक्लूड द ताइवान एंड द ब्रिटिश एम्पायर चाइना डिस्पाइट द हाई वाटर शेडेड ऑफ प्रिंसिपल एंड द सम द पोजिशन ऑफ ग्राउंड एंड फ्लो। तो मैकमोहन के रूप में जो उच्चतम वाटर शेड सिद्धांत का तैयार किया गया था, जो ब्रिटेन और तिब्बत के पूर्व लावारिस जो अपरिभाषित सीमा और चिन्हित करता था। तांगवांग को जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए शामिल करता था और उच्च जो वाटरशेड सिद्धांत उनके जो आने वाले कुछ जमीन वाले पदों का विवाद करता है। इन नवंबर 1959 द चाइना कार्डेड ऑल द सेइंग द LEC वाज द सो कार्डेड द मैकमोहन लाइन एंड द ईस्ट ऑफ लाइन अप टू द एक्सरसाइज एक्चुअल कंट्रोल वेस्ट। नवंबर 1959 में भारत और चीन के बीच में कहते हुए बुलाया गया कि LEC पूर्व जो कथित मैकमोहन और जो वह रेखा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा करता है। In both 1959 and 62, India's the position with the Chinese concept of the disconnected series and pointed the map of counted the many ways. तो 1959 और 1962 में भारत और स्थिति यह थी कि चीनी अवधारणा एक मानचित्र बिंदु के अलग और श्रृंखला में से जोड़ा जा सकता था। चाइना इस तो कार्डेड द क्लेम ऑफ एक्चुअल अरुणाचल प्रदेश, चाइना क्लेम द 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो चाइना जो अरुणाचल प्रदेश का लगभग जो 90,000 वर्ग किलोमीटर पूरे राज्य को अपने जो क्षेत्र में दावा करता है। तो इट कार्डेड द एरिया ऑफ द जंगजांस ऑफ चाइनीज लैंग्वेज मेक्स द रिपीटेड ऑफ
ये फॉर द साउथ तिब्बत, ये है जो दक्षिण तिब्बत और जो बार बार जो संदर्भ देता है। चाइनीज मैप्स हो द अरुणाचल प्रदेश एज द पार्ट ऑफ चाइना एंड द सम टाइम द परमानेंटली प्रैक्टिकली परिसेंटली ऑफ रेफर्स टू द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। चीनी मानचित्र जो अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से के रूप में दिखाते हैं और कभी कभी इसे कथित रूप से अरुणाचल प्रदेश के रूप में संदर्भित करते हैं। चाइना मेक्स द पीरियडिक एफर्ट्स ऑफ अंडरलाइन दिस इज द यूनिलेटरल क्लेम्स ऑफ द टेरिटरी। चीन जो भारतीय क्षेत्र को एक तरफा दावे के लिए रेखांकित करने पर समय समय प्रयास करता है। एज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी इट इज द ट्राइट ऑफ द की द चाइनीज नेम ऑफ द प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट पब्लिश 6 सस्दा 9 2017 एंड अनदर 15 टाइम्स इन द 2021। इस रणनीति के तहत जो इससे जो अरुणाचल प्रदेश को स्थानीय को चीनी नाम को देने की कोशिश की। 2017 में ऐसी 6 नामों की सूची प्रकाशित की गई थी और 2021 में 15 नामों की सूची प्रकाशित की गई थी। इंडिया स्टैंड ऑन इट, तो इंडिया का स्टैंड क्या है इस पर, भारत का रुख क्या है। इंडिया हैज द डिसमिस द चाइनीज इन्विटेशंस ऑफ नेम्स, भारत ने इस तरह के नामों को चीनी आविष्कार की खारिज कर दिया है। लास्ट ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर सेड टू द स्टेटमेंट अरुणाचल प्रदेश हैज द ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज द इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया। पिछले साल तो विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। असाइनिंग द इनवाइटेड नेम्स ऑफ प्लेस अरुणाचल प्रदेश डज नॉट अल्टर दिस इफेक्ट, जो आविष्कार देने के विधि तथ्य बदलता है। लेटेस्ट सर्च में क्या देख लेते हैं, शिमला कन्वेंशन और इंडिया द बॉर्डर ऑफ द कंट्रीज मैप एंड द LAC। तो ये हमारा क्या है, शिमला कन्वेंशन, अन्य देशों के साथ साथ भारतीय सीमा और LAC का नक्शा। प्रीलिम्स में देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ बॉर्डर डिस्पाइट ऑफ विद चाइना। दूसरा है हमारा जो व्हाट इज द लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्री LAC एंड अबाउट द मैकमोहन। चाइना सो कॉल्ड द क्लेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश अबाउट द शिमला एंड कन्वेंशन। प्रीलिम्स में देखते हैं चीन के साथ विवाद की उत्पत्ति और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC क्या है, मैकमोहन के बारे में बताइए, अरुणाचल प्रदेश के में चीन के जो कथित दावा क्या है और शिमला कन्वेंशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा जो माइक्रोप्लास्टिक लेन, माइक्रोप्लास्टिक लेन क्या है उसके बारे में देखते हैं। इट इज रेजिंग द प्लास्टिक 74 टन्स ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम फॉर द ईयर ऑफ द एक्विवेलेंट्स ऑफ 2020। तो ये GS पेपर 3 में रखेंगे इसको, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड कन्वेंशन। तो ये हमारा है माइक्रोप्लास्टिक लेन एज द सच ऑफ द 74 टन्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स fell from the air and the settled of rooftops of the gardens and offer surfaces the Oaklands New Zealand in 2020 in the study of the published recently 2020 mein New Zealand ke jo Auckland mein jo 74 ton microplastic hawa ke gire aur chhaton se bagicho anya chhaton par bas gaye hain jinhe hal mein prakashit adhyayon mein bataya gaya hai। की फाइंडिंग देख लेते हैं, मुख्य निष्कर्ष क्या है इसके बारे में। दीज टीनी पीसीज ऑफ द प्लास्टिक दे आर द लेस द 5 माइल जो मिलीमीटर्स एंड द लेंथ इज द ऑलरेडी इन वेल्डिस ऑफ फोर्स चेंज एंड हैव बीन द विंस मींस दिस इज द न्यू मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन द राइजिंग द न्यू हेल्थ ऑफ द कॉन्कंस। 5 मिलीमीटर की कम लंबाई वाले जो प्लास्टिक से छोटे छोटे पहले ही खाद्य श्रृंखला में आक्रमण कर चुके हैं और नसों में पाए जा गए हैं और संचरण का या नया तरह का स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा रहा है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम्स एंड कलेक्टेड द ओरिजन्स लाइक द लिव एंड द ब्रेन्स। सबसे छोटे कण जो रक्त में प्रवेश करते हैं वो यकृत और मस्तिष्क जैसे अंगों में एकत्रित हो सकते हैं। साइंटिस्ट हैव बीन द डिस्कसिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी द माइक्रोप्लास्टिक मिस्ट एंड द क्लाउड्स एक्सिट इन द माइक्रो एटमोस्फेयर। वैज्ञानिक संभावना चर्चा कर रहे हैं वातावरण के माइक्रोप्लास्टिक धुन और जो मौजूदा है। बट दिस इज द स्टडी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन जो समस्या की भावत को मापने वाला जो एक अध्ययन यह है कि जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो द कॉन्कंस ऑफ पार्टिकल्स हायर देन द क्वांटिटी। कणों का जो आकार एक चिंता का विषय है क्योंकि क्षणों के का मात्रा अधिक थी। द सिमिलर द पार्टिकल्स आर मोर द हार्मफुल एंड द ह्यूमन हेल्थ। जन जितने छोटे होते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए उतने ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक डिफाइंड एंड द सिंथेटिक एंड द पार्टिकल्स साइजिंग द रेजनिंग्स फ्रॉम द माइक्रोमीटर टू द 5 माइल जो मिलीमीटर्स mm विच इज द इन सोल्यूबल्स इन वाटर। जो माइक्रोप्लास्टिक है जो एक माइक्रोमीटर में 5 मिलीमीटर के जो सिंथेटिक ठोस के रूप में परिभाषित किया जाता है पानी में घुलनशील होते हैं।
इन द नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स दैट आर ऑफन द एंटर द गंगा थ्रू द इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ द पैकेज एंड रीजन ऑफनिंग दे आर द इंसोल्यूबल वाटर। यह जो गैर अपघटन प्लास्टिक है जो अक्सर उद्योग कचरे और जो धार्मिक प्रसाद की पैकेजिंग के माध्यम से गंगा का प्रवेश करता है, यह पानी में घुलनशील होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के प्रकार क्या हैं? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक, दो प्रकार होते हैं। तो प्राइमरी जो माइक्रो प्लास्टिक, प्राथमिक माइक्रो प्लास्टिक आर द टिनी प्लास्टिक्स, दे आर द पर्पज रिडिजाइन एंड सच द कॉमर्शियल यूज लाइक द कॉस्मेटिक न्यूडलेस ऑफ। ये हमारा जो प्लास्टिक पैनल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड द फाइबर्स द सिंथेटिक टेक्सटाइल लाइक द नायलॉन। छोटे कण जिन्हें जो व्यावसायिक उपयोग के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया है, जैसे जो सौंदर्य प्रसाधन और जो औद्योगिक निर्माण के रूप में जाने वाले नेडल्स और प्लास्टिक छर्रों, नायलॉन के सिंथेटिक वस्त्रों में फाइबर में यूज होते हैं। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक द फॉर्म दे आर द डिग्रेडेशन ऑफ लार्जर प्लास्टिक लाइक द बोटल्स फिनिशिंग नीड्स ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, बोतल मछली पकड़ने वाले जाल और जो प्लास्टिक की थैली जैसे बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं को क्षरण और माध्यम से द्वितीय माइक्रो प्लास्टिक बनाते हैं। दिस एक्कर्स ऑफ थ्रू द एक्सपोजर्स टू द एनवायरमेंट एंड रेडिएशन फ्रॉम द विंड एंड द ओशन वेव्स। यह जो पर्यावरण संपर्क में आने वाले होते हैं, जो सूर्य और हवा के समुद्र के लहरों का विकिरण बनाते हैं। वाई द प्लास्टिक पॉल्यूशन स्पेशली हार्मफुल, प्लास्टिक प्रदूषण के लिए हानिकारक क्यों है? प्लास्टिक कैन बी द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स द डिकम्पोज एंड डिपेंडिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स वे आर द ह्यूमन डंप्ड। प्लास्टिक के प्रकार और डंप किया जाता गया है आधार पर जो प्लास्टिक सड़ने में जो सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। सम द मैराइंस आर द स्पीसीज ऑफ द जूप कोल्टोन, जो कोल्टोन होते हैं, शो द परफ्यूमेंटल्स ऑफ इंजीनियशंस ऑफ स्मॉल प्लास्टिक्स द मार्केट लिजर्ड्स एंटर द फोरचैन एंड द कन्वर्जन फॉर द फास्ट सिंकिंग ऑफ द फेशियल प्लेट्स पेटल्स। तो ये हमारे कुछ समुद्री प्रजातियाँ जैसे जोला कांटन कणों के लिए अधिक माननीय अंतर्ग्रहण दिखाई देते हैं, जिससे खाल श्रृंखला में प्रवेश किया जाता है। तेजी से डूबने के वाले जो मल छर्रों के उनका जो रूपांतरण होता है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स द वेरियस न्यू रिपोर्ट्स ऑफ द हैव शोन ऑन द मैराइन एनिमल्स एंड द सीव्हील्स द सी बर्ड्स एंड टर्टल्स ऑफ अनलाइकली यूजिंग द इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स ऑफ द सर्फ कट्स टू डेथ। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के जो समाचार रिपोर्ट को पता चलता है कि वही समुद्री पक्षी और जो कछुए जैसे जानवर समुद्री जानवरों के अनजाने प्लास्टिक निकल जाते हैं और उनके अक्सर दम घुटने की मृत्यु मौत हो जाती है। इंपैक्ट ऑफ ह्यूमंस मनुष्य पर प्रभाव द कंजप्शन ऑफ द प्लास्टिक एंड ह्यूमंस द हार्मफुल ऑफ द सर्व द क्लिम द केमिकल्स आर यूज फॉर द प्रोड्यूस द प्लास्टिक द कैरोनोजिक्स। ये है हमारा जो मनुष्य का जो प्लास्टिक का सेवन हानिकारक और प्लास्टिक का उत्पादन करने के लिए किए जाने वाले रसायनों को कोर्जिनोनिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक हैव बीन बी फाउंड इन द वाटर एंड बियर एंड इन द साल्ट, नल के जो पानी बियर और आदि के जो नमक माइक्रो प्लास्टिक में पाए जाते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट स्टडी ऑफ द एस्टिमेट प्लास्टिक पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन इजिगेशन पब्लिश ऑफ जून 2019 सेड द एवरेज पर्सन ऑफ द ईट लिस्ट हमारा 550,000 प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक ईच ईयर। जून 2019 में प्रकाशित मानव अंतर्गत प्लास्टिक प्रदूषण का अनुमान लगाने के लिए कुछ अध्ययनों में से एक कहा गया कि औसतन हर व्यक्ति हर साल माइक्रोप्लास्टिक के कम से कम 50,000 कण खाता है। इंडिया इनोसेटिव्स ऑफ द मोनोप्लास्टिक पॉल्यूशन माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन का भारतीय पहल पर क्या है? इंडिया एंड द नॉर्वे हैव द प्लेट वर्क एंड टूगेदर एड्रेस द इश्यूज द मैराइन प्लास्टिक लेटर ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक। भारत और नॉर्वे के जो समुद्री प्लास्टिक और जो कूड़े समुद्री प्लास्टिक के मुद्दों के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। मोर देन 20 स्टेट्स द यूनियन टेरिटरीज एंड जॉइन टू फाइट द प्लास्टिक पोल्यूशन एंड अनाउंसिंग द बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। सकल अकेले प्लास्टिक के प्रतिबंध लगाने के लिए घोषणा 30 से अधिक राज्य और जो संघ शासित प्लास्टिक मात देने की लड़ाई में शामिल हो गए हैं। ग्लोबल एफर्ट्स द बीट ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन द एड्रेस प्लास्टिक पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन दूर करने के लिए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन की जैव वैश्विक प्रयास है। लिटिल सर्च में देख लेंगे तो एक्सटेंडेड विद प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लोकेटेड जो ऑकलैंड क्या है, विस्तारित निर्माता उत्तरदूत क्या है, ऑकलैंड का पता कैसे लगाएं, और प्रीलिम्स में देख लेंगे जो अबाउट द माइक्रो प्लास्टिक क्या है, टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक एंड स्पेशली द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमंस क्या है, व्हाट इज द जो बायो
कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज द फोर्स वेब क्या है, एंड इंडियन इनोसेटिव्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन। में देख लेते हैं माइक्रोप्लास्टिक के बारे में देख लेते हैं, प्रकार प्लास्टिक प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक क्यों होते हैं, मनुष्य पर प्रभाव क्या है, जैव संचय क्या है, खाद्य जाल क्या होते हैं, और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पर भारत पहल क्या है। ये यूपीएससी क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द माइक्रोप्लास्टिक द स्मेल्स एंड द प्लास्टिक्स लेस देन द 5 mm लेंथ एंड अकर्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड द कॉन्सिक्वेंस द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो दूसरा है हमारा जो माइक्रोप्लास्टिक आर प्रेजेंट ऑफ द कॉस्मेटिक एंड द सिंथेटिक क्लॉथ एंड द प्लास्टिक बैग्स ऑफ द बॉटल्स। थर्ड है हमारा द नॉर्मल प्लास्टिक नॉट द बायोडिग्रेडेबल एंड द वेयर एज द माइक्रोप्लास्टिक एंड द बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें से विच इज द स्टेटमेंट एंड करेक्ट। तो फर्स्ट हमारा 1 और 2, दूसरा हमारा जो 1 और 3, थर्ड हमारा जो 2 और 3, फोर्थ हमारा 1 2 3। तो इसमें हमारा 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एब्रीविएशन ऑफ सेंटर अमेंडमेंट बिल क्या है, इसके बारे में पूरा देखेंगे। पार्लियामेंट पास द डी नेम्स ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एब्रीविएशन बिल। तो ये हमारा पार्लियामेंट हैज द पास न्यू दिल्ली इज द इंटरनेशनल एब्रीविएशन एब्रीविएशन एंड सेंटर अमेंडमेंट बिल 2000 विद द राज्यसभा अप्रूव द टुडे द ये संसद में नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसे राज्यसभा ने आज सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, इन द करंट सिस्टम द एब्रीविएशन इज नॉट द इंस्टीट्यूशनल थ्रू द दिस बिल्स एंड गवर्नमेंट मेकिंग द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सर्वमत से मध्य से संस्था नहीं है, इसके विधेयक के लिए मध्य सरकार ने इसको संस्था के रूप में बनाया है। और गवर्नमेंट आज वांट्स टू मेक द इंडिया हब ऑफ द एब्रीविएशन ऑफ सेंटर्स ऑफ पार्टीज दे आर द कंट्रीज आल्सो ऑपरेटेड फॉर द डिस्पाइट्स ऑफ रेवोल्यूशन लाइक द विजिट ऑफ द सिंगापुर। सरकार जो भारत से मध्यस्थता केंद्र के लिए केंद्र बनाना चाहती है ताकि जो देशों के पक्षधार सिंगापुर की यात्रा के तरह जो विवाद समाधान के लिए भारत का विकल्प चुन सके। अबाउट द बिल, बिल क्या है, विधेयक के बारे में क्या है। दिल बिल इज द अमेंडमेंट ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एब्रीविएशन ये सेंटर बिल 2019। तो ऑर्बिटेशन, तो ये हमारा जो बिल नई दिल्ली इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर एक्ट 2019 को संशोधित करता है। द बिल्स नेम रिमेन्स द दिल्ली बिल्स, जो नई दिल्ली इंटरनेशनल एब्रीविएशन सेंटर एज द इंडियन द इंटरनेशनल एब्रीविएशन बिल इंटरनेशनल सबिटेशन सेंटर कर देता है। द एक्ट ऑफ रिक्वायर द एब्रीटेशन सेंटर द स्ट्राइव ऑफ द फैसिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरनेशनल डोमेस्टिक एब्रीटेशन ऑफ कौंसुलेशन। तो ये हमारा अधिनियम मध्यस्थता केंद्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मध्यस्थता सुलह के संचालन की सुविधा देता है। द न्यू लेजिस्लेशन ऑफ एक्सपेंड इंक्लूड द कंडक्ट और द फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्पाइट ऑफ रिसोल्यूशन। नया कानून जो विकल्प विवाद समाधान और अन्य संचालन के लिए शामिल करने के लिए एक विस्तार करता है। द बिल ऑल्सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड द रिमूविंग एंड एनी द डिफिकल्टीज फ्रॉम द इम्प्लीमेंटिंग एक्ट ऑफ द 5 year एंड द डेट ऑफ द कमिटमेंट्स ऑफ एक्ट। ये विधेयक जो अधिनियम के लागू होने की जो तारीख से 5 साल तक अधिनियम लागू होने किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति देता है। वाट इज द एवरी मध्यस्थता क्या है, मध्यस्थता इज द सेटलमेंट ऑफ डिस्पाइट बिटवीन द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट बाय द नेचुरल थर्ड पार्टी एंड द एब्रीविएशन विदाउट द रीजन द कोर्ट एक्शन। मध्यस्थता एक प्रकार का दस्त जो द्वितीय पक्ष यानी कि मध्य अदालती कार्रवाई को सारा बिना जो विवाद को निपटारा गया है। दिस द प्रोसेस टोल्ड सूट पार्टीज एंड पर्टिकुलर नीड, सो प्रक्रिया जो पार्टियों के लिए विशेष आवश्यकता को वो बनाया जा सकता है। एप्लीकेशन आर द चूज ऑफ दे आर द एक्सपर्टीज, तो ये हमारा जो मध्यस्थता उनके केंद्र के लिए चुना जा सकता है। दिस इज द कॉन्फिडेंटल एंड कैन बी द स्पीडर्स ऑफ चीपर देन द कोर्ट, ये गोपनीय है अदालत से तेज और सस्ता हो सकता है। देयर आर द लिमिटेड्स ऑफ द ग्राउंड्स अपील, तो ये हमारे अपील के समिति के आधार पर है। एप्लीटेल्स अवार्ड्स ऑफ द ब्रिंगिंग द इन्फोर्सेबल्स देयर द कोर्ट, अदालतों के मध्य लागू किए उन्हें योग्य है। नेक्स्ट है हमारा जो यांग टीसी, तो ये हमारा जो है चाइना पीएलए ट्रॉप्स ऑफ द टारगेट द 25 द कॉन्ट्रास्टेड एरिया। तो ये हमारा जो है यंगटिस एंड द टाइमन सेक्टर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश बीन रिपीटली एंड टारगेटेड द चाइनीज पीएलए द ट्रॉप्स सीकिंग द डिसलोजेस ऑफ इंडिया ट्रॉप्स विच इज द वेंटेज पॉइंट्स। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यंग से चीनी पीएलए सैनिकों द्वारा बार बार निशाना बनाया गया है, जिसमें भारतीय सैनिकों के सभी लेतों के स्थान पर हटाने की कोशिश की जा रही है।
द चाइनीज सेंटर एंड द यंगटीसी द सीजिबल चीनी जो चीनी है लगभग जो 100 सैनिकों के साथ जो बड़ी संख्या में यांग से आए और जो भारतीय गश्ती के लिए उनका जो सामना किया। तो ये हमारा जो फेस्ट ऑफ द December 9 ये हमारा चाइनीज तिब्बत अंचल प्रदेश तेवांग असम नागालैंड मेघालय ये पड़ेगा। ये यांगसे जी ऑफ द ये हमारा 25 कॉन्टेस्टेड एरिया ऑफ द 3,488 किलोमीटर ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन द टू कंट्रीज इन द स्केचिंग ऑफ ये हमारा वेस्टर्न सेक्टर मिडल सेक्टर ऑफ द ईस्टर्न सेक्टर। यांगटीसी दोनों देशों के बीच में जो 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ जो 25 वादित क्षेत्रों में से एक है यह जो पश्चिमी क्षेत्र के मध्य क्षेत्र से पूर्व क्षेत्र तक फैला हुआ है। ए मेजोरिटी ऑफ द एरिया यांगटीसी इंक्लूड द वी आर द आइडेंटिफाइड द टू साइड्स ऑफ ड्यूरिंग द मल्टीपल मीटिंग्स जॉइंट द वर्किंग्स द ग्रुप JWG एंड इन द 1990 ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ मैप मिडिल ऑफ सेक्टर 2000। ये जो 1999 के जो संयुक्त रूप से JWG के बैठक के दौरान जो 2000 के मध्य मानचित्रों के आदान प्रदान के लिए इसमें जो अधिकांश क्षेत्र जो यांगसे शामिल थे इसकी पहचान पक्षों द्वारा की गई थी। द कंपेरिजन ऑफ मैप्स द वेस्टर्न सेक्टर 2002 रिमेनिंग द कॉन्स्टेंट वर द आइडेंटिफाइड द पीरियड ऑफ टाइम द PLA एक्शन 2002 में पश्चिमी क्षेत्र में एक नक्शे की तुलना विशेष विवादित क्षेत्रों की पहचान PLA कार्रवाई के रूप में की गई थी तवांग सेक्टर ऑफ द डोमिनेट पेट्रोल्स ऑफ द स्पोर्ट्स चाइनीज पेट्रोल फॉरवर्ड तवांग क्षेत्र भारतीय सैनिकों के लिए दबदबा है और आगे के चीनी गश्ती के दलदल से देख सकते हैं। अर्ली द मोमेंट वुड नोटिस द इंडियन ट्रॉप्स मूव द फोर्स ऑफ जब भी जो किसी हलचल का ध्यान दिया जाता है तो भारतीय सैनिकों फेस ऑफ के लिए आगे बढ़ाते हैं। इन 2016 अराउंड 250 चाइनीज ट्रॉप्स एंड शोड द क्रॉस पॉइंट ऑफ द चाइना एंड से द मार्क PLAF। तो ये हमारा 2016 एंड 250 चाइनीज सैनिकों को दिखाया गया और उसमें बिंदु को पार करते हुए जिसे भारतीय चीनी के लिए चिंतित करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा द लीगल एज ऑफ बाय द टम्बाको प्रोडक्ट्स इसके बारे में है। तो न्यूजीलैंड बैन ऑफ तमाकोस दोज आर द बॉन्ड ऑफ टू आफ्टर 2008 प्रोविंस ए न्यू लॉ। तो ये क्या है लीगल एज ऑफ द बाय टमैको प्रोडक्ट न्यूजीलैंड द पार्लियामेंट पास द लेजिस्लेटिव एंड इंक्रीज द लीगल एज ऑफ द टमाको प्रोडक्ट ईच ईयर। न्यूजीलैंड ने संसद ने एक कानून पारित किया है जिसमें हर साल तमाकू उत्पादन करने के लिए कानून की उम्र को बढ़ाया गया है। वाट इज द बिल क्या है स्मोक ऑफ द एनवायरमेंटल एंड द रेगुलेटरी प्रोडक्ट स्मोक टमाको अमेंडमेंट बिल द सेल ऑफ टमाको एनीवन बोर्न आफ्टर द 2008 धूम्रपान युक्त वातावरण और जो नियमित उत्पादन जो धूम्रपान तंबाकू विधेयक के लिए 2008 में पैदा हुए बच्चे किसी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। दोज द वायलेंट द प्रोविजन विद द फाइंडेड ऑफ द न्यूजीलैंड 150,000 यानी कि लगभग जो 79 लाख अप्रोक्सीमेटली इसमें जो 79 लाख का जो जुर्माना लगाया जाएगा इसे और दिस बिल विद सिग्निफिकेंट लिमिटेड नंबर ऑफ द रिलेटेड स्मोक तम्बाकू प्रोडक्ट। यह बिल जो स्मोक्ड तम्बाकू जो जितने भी हमारे उत्पादन बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं की संख्या को महत्वपूर्ण के रूप में सीमित कर सकता है। इट्स एम टू प्रिवेंट द यंग पीपल फ्रॉम द टेकिंग ऑफ द स्मोकिंग द प्रोहिबिटेड सेल्स एंड स्मोकिंग द तम्बाकू प्रोडक्ट एनीवन बोर्न आफ्टर द 1 जनवरी 2009। तो ये इसका उद्देश्य जो 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए किसी व्यक्ति को धूम्रपान करने वाले उत्पादन के लिए बिक्री पर रोक लगाने वाले युवा को धूम्रपान को रोकना है। इट्स मेक्स द स्मोक तम्बाकू प्रोडक्ट द अपीयरिंग ऑफ द एडिक्टिव यह जो स्मोक तम्बाकू पानों को कम से आकर्षण और नशीला बनाने के लिए है। इट विल द लिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ द सोप अवेलेबल्स ऑफ स्मोक तम्बाकू प्रोडक्ट यह जो स्मोक तम्बाकू उत्पादनों के लिए बेचने और जो सक्षम दुकानों की संख्या को सीमित करेगा। स्मोकिंग इन न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड क्या है रोट द रेट ऑफ द स्मोकिंग ऑन द न्यूजीलैंड ऑफ ऑलरेडी लॉ बट दे आर द रिस्पेक्ट ऑफ विद इन द कम्युनिटीज न्यूजीलैंड का धूम्रपान पहले से ही जो कम है और इससे समुदाय के भीतर जो असमानताएं हैं 8% एडल्ट आर द डेली स्मोकर 2020 और 2022। तो ये 2021-2022 के साथ 8% जो वैसे दैनिक धूम्रपान वाले थे। स्मोकिंग रेट्स आर द डिक्लाइंस ऑफ द ऑल द एथनिक्स ऑफ ग्रुप्स एक्सपर्ट ऑफ पैसिफिक पीपल्स एंड लार्ज ऑफ द
इंक्विटीज ऑफ रिमेन्स, प्रशांत क्षेत्र में लोगों को छोड़कर सभी जो जाती है समूह के लिए धूम्रपान की दरों को गिरावट आई है और बड़ी संख्या में यह समानता बनी हुई है। द मोस्ट मार्क ऑफ द इक्विटीज ऑफ स्मोकिंग आर द बाय द जस्सो की इकोनॉमिक्स स्टेटस, ये जो धूम्रपान सबसे अधिक चिन्हित असमानता सामाजिक आर्थिक स्थिति को संबंधित है। नेक्स्ट है जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर ऑफ द सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022, तो ये राज्यसभा के लिए अप्रूव हुआ है। जी हमारा जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर द सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022, द पार्लियामेंट हैज पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर ऑफ द सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 विच इज द राज्यसभा अप्रूवल। दो संसद में के जो संविधान अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा को मंजूरी को पारित कर दिया गया है। द डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट एंड द फुलफिलिंग्स द पेंडिंग ऑफ डिपेंड डिमांड ऑफ द कम्युनिकेटी कम्युनिटी, यह जो है हमारा कानून पूरे देश समुदाय के लंबे समय तक लंबित मांग को पूरा कर रही है। द गवर्नमेंट हैड टेकन द सेवरल ऑफ मेजर्स वेलफेयर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द कंट्री, सरकार ने देश के जो अनुसूचित जनजातियों कल्याण के लिए उपाय किए हैं और यहाँ पे बजट एलोकेशन ऑफ ट्राइब्स द कंपोनेंट इंक्रीज द 24,000 crore rupees 2003, 2013 and 2014 और 85,000 crore rupees 2021-22। जो अनुसूचित जनजाति घटकों के लिए बजट 2013-2014 में 24,000 crore rupees से बढ़ाकर जो 2021 में और 22 में जो 85,000 crore rupees हो गया है। द स्टेप हैज बीन टेकन द एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ कंट्री, यह जो है देश में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और जो आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। ही लिस्टेड द प्रधानमंत्री जो आदि आदर्श ग्राम सभा आदर्श गवर्नमेंट योजना सेइंग दैट इज द इम्प्लीमेंटेड ऑफ 35,000 विलेज, उन्होंने जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के जिक्र करते हुए इसे 35,000 गाँव में लागू किया गया है। द मिनिस्टर हैज एक्सक्यूज द प्रीवियस यूपी गवर्नमेंट इग्नोरिंग शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द कंट्री, मंत्री ने पिछली यूपीए सरकार को देश के अनुसूचित जनजातियों के हितों के देखरेख के लिए आरोप लगाया है। द की अमेंडमेंट क्या है, मुख्य संशोधन क्या है, द बिल ऑफ 6th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्टेस ऑर्डर द 1950 कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अंडर द हमारा उत्तर प्रदेश ऑर्डर 1967 विधेयक जो है अनुसूचित जाति और जो आदेश 1950 के संविधान अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के संविधान करना चाहता है। इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द एक्सक्लूड्स ऑफ गोंड्स कम्युनिटी एंड द शेड्यूल्स कास्ट ऑफ द चंदोली और कुशीनगर संत कबीर नगर और संत और रविदास नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश आल्सो द मेड्स ऑफ एसटी और रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी ऑफ एसटी, दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट। इसका उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश के चंदोली कुशीनगर संत कबीर नगर और संत रविदास नगर में गोंड समुदाय के अनुसूचित जनजाति को बाहर करने को जो आदेश को संशोधन करना, इन चार जिलों में समुदाय एसटी के रूप में मान्यता देने के लिए एसटी संशोधन आदेश को भी संशोधन करना है। भाई देखो यह आपकी हमारी करंट अफेयर की वीडियो प्लस स्टडी जीके की वीडियो थी। यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमने ये डाल दिया है, इसकी पीडीएफ डाल दी, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और अपना देखो इसी तरह देखो प्यार बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।